नमस्कार किसान साथियों, मैं पवन धगड़ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए नई नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूं YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन के खरपतवार के बारे में। खरपतवार के बारे में मैं तीन चीज़ें ऐसी बताऊंगा आपको जो बेस्ट रिजल्ट ही देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग आर्म, डव कंपनी का आता है, 12.4 ग्राम उसकी पैकिंग रहती है। लगभग उसका टेक्निकल की बात करें हम तो डाइक्लोसुलम उसका टेक्निकल होता है 84 पॉइंट। डाइक्लोसुलम 84 पॉइंट उसका टेक्निकल होता है और वो टेक्निकल ऐसा टेक्निकल और ब्रांड माना जाता है। खरपतवार के लिए बेस्ट रहता है सोयाबीन में, वो 12.4 ग्राम का आता है, 2 बीघे में जा सकता है। 2 बीघे में आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसको 2 बीघे के स्प्रे में लगभग आप 200 लीटर पानी लीजिए। कंपनी ऐसा बोलती है उसका कि 200 लीटर पानी कम से कम होना चाहिए। जितना पानी अच्छे लोगे, जितनी नमी अच्छी होगी, उतना अच्छे रिजल्ट आप ले पाओगे। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो सुमिटोमो का मैक्स आता है, वो भी बहुत ही अच्छी कम कॉस्ट में और बहुत ही अच्छे रेट में आपको मार्केट में मिल जाएगा। और वो भी 2 बीघे में जाता है, एक छोटी डिब्बे आती है और उसका भी खर्च लगभग यही 500 से 600 रुपये बीघे के हिसाब से आता है। अब हम तीसरी और लास्ट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो वेलर 32 BSF की जो आती है, जिसका टेक्निकल है पेंडामेथिलिन 30% और इमिजाथाइपर 2%। देखा जाए तो इसे परशूट भी कहा जाता है। दोनों सेम टेक्निकल रहती हैं। मैं आपको वेलर 32 के बारे में बताना चाहूँगा। ये सारे जितने टेक्निकल मैंने बताए हैं, पेंडामेथिलिन 30 पॉइंट और इमिजाथाइपर 2% रहता है, ये भी एक खरपतवार के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जितने भी खरपतवार यूज़ करते हैं उसके लिए खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। और किसान भाई, सबसे मेन चीज़ जरूर रहती है, इसका ध्यान दे कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये बोवनी के 72 घंटे के अंतराल ही स्प्रे करना रहता है। सबसे मेन बात रहती है 72 घंटे, यानी कि सीड का जर्मिनेशन बाहर ना हो उससे पहले आप इसको स्प्रे करना है। लगभग 72 घंटे 3 दिन के अंतराल आपको करना रहता है। वो इसलिए कि जब पौधा जर्मिनेशन हो जाता है तो उस पर भी अटैक रहता है, और जहाँ तक पौधा जर्मिनेशन नहीं लेता है उस पर कोई अटैक उस केमिकल का नहीं रहता है। सबसे मेन बात है, जितनी नमी होगी, अगर पानी गिरता रहता है और इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे किसान भाइयों, ये तीन चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ है और खरपतवार के लिए सोयाबीन में इनसे बेस्ट सब बेस्ट हैं। आप देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग आर्म ले लीजिए, वेलर 32 ले लीजिए, मैक्स ले लीजिए। और सबसे मेन बात, अभी नया नया मार्केट में आया हुआ है, एक और चीज़ पर हम वीडियो में चलते हुए एक और चीज़ पर डिस्कस कर ही लेते हैं। FMC का सबसे बेस्ट अथॉरिटी नेक्स्ट, जो अभी मार्केट में बहुत ही किसानों का मनपसंद टेक्निकल और केमिकल बना हुआ है। हम उसकी बात करें तो उसका खर्चा लगभग 650 से 750 रुपये बीघे के हिसाब से आता है, बट उसके 72 रिजल्ट हैं। रिजल्ट इसलिए हैं कि वो अथॉरिटी नेक्स्ट कॉस्टली ज़रूर पड़ता है किसान भाइयों को, बाकी बेस्ट रिजल्ट हैं। अब मैंने 3 चीज़ों की बात करी थी और वीडियो में बताया मैंने 4 चीज़, इनमें से आप कोई भी चीज़ ले लीजिए सोयाबीन में खरपतवार के लिए, ये सब कारगर साबित है। धन्यवाद किसान।